नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में भारत इन्फोटेक में, जहां से आपको मिलती है हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग एक के एग्जाम हो चुके हैं और हम आज इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ को अपडेटेड कट ऑफ के ऊपर से बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के ऊपर से बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और इस विषय में हम बात करेंगे कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज से पूरा एनालिसिस है, बच्चों के जो मित्रों का एग्जाम हुए थे उसके रिव्यू के आधार पर यहाँ पर बताया हुआ, तो देखते हैं किस तरीके से कट ऑफ है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वेबसाइट में। हाल ही मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक की परीक्षा संपन्न हुई है। यह परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी तथा 11 फरवरी 2019 तक समाप्त हो गई है। यह परीक्षा कुल 17 विषयों के लिए शिक्षकों की आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में राज्य के बहुत सारे उम्मीदवारों ने भाग लिया है। यह परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए संपन्न की गई है जो अब समाप्त हो चुकी है, जिसकी कट ऑफ लिस्ट का सभी को अभी वर्तमान में इंतजार चल रहा है, आंसर की जारी हो चुकी है। आपको हमारे द्वारा मध्य प्रदेश में हुई संविदा शिक्षक वर्ग एक की संभावित कट ऑफ एक एक्सेप्टेड कट ऑफ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह संभावित कट ऑफ लिस्ट है, जिस किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। यह कट ऑफ लिस्ट अभी तक हुई सभी विषयों की परीक्षाओं के आधार पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों से चर्चा करके बनाई गई। जो परीक्षार्थी एग्जाम दे चुके हैं उनसे जो है आपस में चर्चा करके ये कट ऑफ लिस्ट बनाया गया है। आगे, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग विषयों के पेपर अलग अलग दिन संपन्न कराए गए थे, जिसके लिए कट ऑफ लिस्ट सभी विषयों के लिए अलग अलग होगी। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 मध्य प्रदेश की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा संपन्न कराई जा रही है, जिसमें से हुए सभी बदलाव तथा कट ऑफ लिस्ट जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। हमारे द्वारा जो कट ऑफ लिस्ट आपको प्रदान की जा रही है, यह ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाली कट ऑफ लिस्ट के लगभग समान होगी। इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, इस कट ऑफ के जो आपकी पीबी कट ऑफ जो जारी करेगा उसके आसपास ही आपको नंबर देखने को मिलेंगे। संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद यहाँ पर आपको सामने आएगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया प्रत्येक दिन के अनुसार होगी। इससे तात्पर्य यह कि जिस दिन पेपर कठिन था उस दिन उम्मीदवारों का पेपर था उस दिन का कट ऑफ कम जाएगा, और जिस दिन पेपर सरल था उस दिन का कट ऑफ अधिक जाएगा। चलिए, ये इन्होंने कुछ और जानकारी दी जो अपने संबंधित जानकारी आप सब जानते हैं। चलिए हम सीधी बात कर लेते हैं भूगोल को लेकर। मध्य प्रदेश में हुई शिक्षक भर्ती वर्ग एक के भूगोल में जिन लोगों ने भूगोल से पेपर दिया उनको के लिए जो कट ऑफ सामने है, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने संविदा वर्ग एक की परीक्षा दी है और उन्होंने भूगोल विषय के साथ परीक्षा दी है, तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए भूगोल का कट ऑफ पहला। यहाँ बात की जाए एससी वाले मित्रों की, तो अनुसूचित जाति एससी का जो कट ऑफ जाएगा वो 90 से 100 के बीच जाने वाला है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के मित्रों का कट ऑफ जो है 80 से 90 के बीच कट ऑफ जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी के कैंडिडेट रहे महिला या पुरुष, उनके लिए 100 से 110 के बीच में कट ऑफ जाने वाला, और जो विकलांग है मेरे मित्र वो 80 से 85 के बीच उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और जो जनरल के सामान्य के हैं उनका 120 से 130 अच्छा स्कोर किया इस बार, तो इतना जो है मान सकते हैं कि इसमें इनका कट ऑफ जाएगा। हम बात कर लेते हैं दूसरा हिंदी का, हिंदी में कितना कट ऑफ जाएगा। तो पहला एससी वाले मित्रों मतलब जिसे अनुसूचित जाति बोलते हैं, तो अनुसूचित जाति में जो कट ऑफ जाएगा वो 90-95 से 105 के बीच कट ऑफ जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी वाले मित्रों की बात की जाए तो 85 से 95 के मध्य कट ऑफ जाएगा। ओबीसी की बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो 105 से 115 के मध्य कट ऑफ जाएगा। पीएच मतलब हैंडीकेप जो मित्र हैं विकलांग, उनका 85 से 95 के बीच कट ऑफ जाएगा। जनरल का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ हिंदी का जाया था रिव्यू में भी मैंने देखा था कि कट ऑफ ज़्यादा ही जा रहा था, बच्चों के 120 से 125 तक नंबर आए थे। लेकिन हाँ, इतना मान सकते हैं कि 120 से 125 के बीच जो है सिलेक्शन पक्का है, किससे, हिंदी से। उन्होंने कुछ ज्यादा ही बता दिया है, लेकिन हाँ इतना मान सकते हैं कि 120 से 125 एक एक्सेप्टेड नंबर है आपके सिलेक्शन के लिए। वो नॉर्मलाइजेशन की बात हो सकता है कि बढ़ेंगे कमेंगे, लेकिन 120 सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। चलो जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में एससी वाले मित्रों का कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला है 90 से 100 के बीच में दोस्तों, और अनुसूचित जाति की वहीं बात की जाए एसटी वाले मित्रों का तो 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये पेपर था थोड़ा आउट ऑफ कोर्स आया था, तो इस बार इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगा। क्योंकि सभी मित्रों ने कमेंट करके भी मुझे बताया था कि सर ये जो पेपर है बायोलॉजी का ये बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कोर्स आया था, अधिकांश जो सब्जेक्ट थे पूरे बाहर से आया हुआ था कोर्स। अन्य पिछला वर्ग की बात वहीं की जाए ओबीसी का तो 105 से 115 के बीच में। पीएच में विकलांग वाले मित्रों की बात की जाए तो 80 से 85 के बीच में। जनरल का जो है कट ऑफ यहाँ पर कुछ कम ही जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 115 से 100 बीच में। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका जो है यहाँ पर 115 से 120 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर सबके प्लस मार्किंग होगी। प्लस मार्किंग इसलिए होगी क्योंकि सबने आपत्ति लगाई थी, खासकर बायो सब्जेक्ट के लिए। मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था जिसमें जबलपुर के सभी शिक्षकों ने जो एग्जाम दिए उन्होंने आपत्ति लगाई थी, विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से इसमें जो है विभिन्न जिलों से आपत्ति भी लगाई गई थी, तो इसमें सबके नंबर हो सकता है प्लस मार्किंग होगी। आगे,
अंग्रेजी के कट ऑफ की बात की जाए यहीं पर, तो अनुसूचित जाति के जो मित्र हैं एससी वाले, उनका 85 से 90 के बीच में इस बार सिलेक्शन हो जाने वाला है। अनुसूचित जनजाति एसटी वाले मित्र देख ले दे सकते हैं, तो जो इंग्लिश में दिया है वो 75 से 85 के बीच में। वही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले मित्रों की बात की जाए तो 90 से 100 के बीच में। विकलांग वाले मित्रों की बात की जाए पीएच में, तो उनका कट ऑफ जाएगा इंग्लिश में 75 से 85 तक। और यहाँ यूआर की बात की जाए जनरल का, तो 115 से 125 के मध्य, ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन की बात भी 115 से 125 के बीच में आपका सिलेक्शन होगा इंग्लिश में, ऐसा एक अनुमानित कट ऑफ है हमारा। हमेशा जनरल का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा बताया जाता है क्योंकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 130 भी चला जाता है कुछ मित्रों का, कुछ लोग का कम ही जाता है। तो जो कम वाले होते हैं वो अनएक्सेप्टेड मानते हैं इसको कि ये मेरा इतना नंबर नहीं आया तो ये अनएक्सेप्टेड है, इतना स्कोर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जिनका मैंने देखा है एग्जाम कुछ लोग का ज़्यादा भी गया, 130 से 35 भी गया है, कुछ लोगों का 90 भी गया जनरल से, तो एक एक्सेप्टेड बीच का मान सकते हैं कि 115 से 125 के बीच में नॉर्मलाइजेशन की बात भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब कॉमर्स को लेकर। कॉमर्स में जो है अनुसूचित जाति की बात की जाए एससी वाले मित्रों की, तो 90 से 100 के बीच कट ऑफ जाने वाला है एससी का। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए एसटी वाले मित्रों का, तो 80 से 90 के बीच में आपका सिलेक्शन होने वाला है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए वहीं ओबीसी के कैंडिडेट की, तो 100 से 110 के बीच में। विकलांग वाले मित्रों की पीएच की बात की जाए तो उनका जो है 80 से 85 के बीच में, किससे, कॉमर्स से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कॉमर्स से। और जनरल का भी वो सेम मान सकते हैं हम यहाँ से, जो है 120 से 125 के बीच में जो है यहाँ पर सिलेक्शन आपका होने वाला है यदि आपने कॉमर्स एग्जाम दिया और आप जो है जनरल से बिलोंग करते हैं सामान्य से अनरिजर्व से, तो 120 से 125 के लगभग आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए संस्कृत विषय की बात की जाए, संस्कृत में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, पहले हम अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं जिसमें एससी वाले मित्र हैं 80 से 85 के बीच में। वही बात की जाए अनुसूचित जनजाति एसटी वाले मित्रों का, तो 75 से 80 के बीच में जो है इस बार सिलेक्शन आपका पक्का है। ओबीसी का भी बहुत कम कट ऑफ जाएगा 85 से 90 के बीच में। और जो पीएच वाले मित्र हैं विकलांग, वो 75 से 80 के बीच अपनी आशा रख सकते हैं। और जनरल का बहुत अच्छा कट ऑफ जाएगा 90 से 110 के बीच में जो आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है संस्कृत विषय से यदि आपने एग्जाम दिया हुआ है। चलिए सात बार समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का देख लेते हैं जिसे सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी की बात की जाए यहाँ पर एससी वाले मित्रों का, तो जो है 90 से 100 के बीच जाएगा कट ऑफ। वहीं बात की जाए एसटी वाले मित्रों की, जो अनुसूचित जनजाति वाले मित्र हैं उनका 80 से 90 के बीच में। ओबीसी वाले मित्रों का 100 से 110 के बीच में। और पीएच जो मित्र विकलांग है उनका 80 से 85 के बीच में। हाँ, और समाजशास्त्र में एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जनरल का अधिकांश जो कट ऑफ क्या है वो 90 से 110 के बीच में, ज़्यादातर कट ऑफ रिव्यू में आधार पर देखा है, तो जनरल और ओबीसी का बिल्कुल कंपेयर टू सेम जा रहा है कट ऑफ। तो हम मान सकते हैं कि 110 से 120 के बीच में यदि नंबर किसी भी कैंडिडेट के आते हैं जनरल का 110 से 120 में, क्योंकि मैंने लाइव रिव्यू देखा है, लाइव रिव्यू में ऐसे ही पता चला है अधिकांश जो मित्रों के हुआ था जो अपना चल रहा था फरवरी में, इस आधार पर उनका गया है कट ऑफ इतना। चलिए गणित की बात की जाए तो वही एससी वाले मित्रों की बात की जाए अनुसूचित जाति का, तो 90 से 100 के बीच में। वही अनुसूचित जनजाति की बात की जाए एसटी वाले मित्रों का, तो 80 से 90 के बीच में। और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें ओबीसी कैंडिडेट आते हैं महिला और पुरुष, उनका 100 से 110 के बीच में। पीएच विकलांग वाले मित्रों का 80 से 85 के बीच में। और जनरल का 120 से 130 के बीच में, कुछ ज्यादा ही कट ऑफ गया इस बार का गणित में जनरल वालों का। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक शास्त्र, रासायनिक विज्ञान की, इसमें बात की जाए हम एससी वाले मित्रों का, तो एससी का जो कट ऑफ जाएगा अनुसूचित जाति का 95 से 100 के बीच में। अनुसूचित जनजाति जिसमें एसटी वाले मित्र आते हैं 95 से 100 के बीच में। ओबीसी वाले मित्रों की बात की जाए 105 से 110 के बीच में, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। विकलांग की मित्रों की बात की जाए जिसमें पीएच कैटेगरी के हैं, तो 80 से 90 के बीच में। और 125 से 130 जाएगा इस बार जनरल वालों का, तो इसको आप एक्सेप्टेड मान सकते हैं। एक्सेप्टेड है मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपके यदि नंबर बढ़ते हैं या कम भी होते हैं तो इतना कट ऑफ आपके आसपास रहने वाला। चलिए हम बात कर लेते हैं राजनीति शास्त्र से, पॉलिटी से, कितने किसका कट ऑफ जाएगा। तो सबसे पहले एसटी वाले मित्रों की बात की जाए, एससी जिसे अनुसूचित जनजाति वाले मित्र हैं, 90 के 100 के बीच में इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। अनुसूचित जनजाति जिसमें एसटी वाले मित्र आते हैं 80 से 90 के बीच सिलेक्शन जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले मित्रों के 100 से 110 के बीच में। पीएच जो विकलांग है मेरे मित्रों उनका 80 से 85 के बीच में। और जनरल का जो है इस बार थोड़ा सा इसमें कम जाएगा, 110 से 120 एक एक्सेप्टेड ओवरऑल है, तो हम इतना मान सकते हैं 110 से 120 बीच 120 के बीच में जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 10 विषय इंपॉर्टेंट थे, तो इनको मैंने बता दिया है। बाकी जो बचे हुए विषय है वो आपको जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाऊंगा, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। और ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, एक्सेप्टेड लगा हो, आपके कितने नंबर आए हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, कैटेगरी सब्जेक्ट्स और अपना जो है बता दीजिए किस कैटेगरी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे एक एनालिसिस पता चलता है कि मैंने जो कट ऑफ आपके लिए बताया वो एक्सेप्टेड है या अनएक्सेप्टेड है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे जो आपके बाकी बचे सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।